राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नंदगांव के 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताऊंगा, जहां पर हर साल भारी संख्या में दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि ये मंदिर इतने प्रसिद्ध क्यों है, मंदिर की क्या मान्यता है, कौन सा मंदिर किस मंदिर से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर मंदिर के खुलने और बंद होने का क्या समय है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए एक एक करके उन सभी धार्मिक स्थानों के बारे में जानते हैं। पहले स्थान पर है श्री नंद बाबा मंदिर, जो नंदगांव की एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे खुल जाता है और दोपहर में 1 बजे के आसपास बंद हो जाता है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे खुलता है और रात्रि में 8:30 बजे बंद हो जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा को समर्पित है। इस मंदिर में नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। गोकुल में 11 साल भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। उसके बाद बाकी का जीवन भगवान श्री कृष्ण का नंदगांव में बीता, जहां पर दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। यहां पर पहले नंद बाबा का घर हुआ करता था, महल हुआ करता था। इस मंदिर के ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हो। नंदगांव का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है आशेश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वीडियो में, यह है दोस्तों आशेश्वर महादेव मंदिर, जो नंदगांव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीछे की कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। ये मंदिर श्री नंद बाबा मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप नंद बाबा मंदिर से पैदल 25 मिनट में यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है। कहते हैं कि वहां पर स्नान करने के बाद महादेव के दर्शन करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव जरूर पूरी करते हैं। इसलिए यहां पर आए भक्त पहले इस कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद ही महादेव के दर्शन करते हैं। नंदगांव का तीसरा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है टेर कदम। यह स्थान ओशेश्वर महादेव मंदिर के पास में ही है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर। यह जगह भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने गाय को चराने के लिए आया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण की गाय चरते चरते इस वन से दूर हो जाया करती थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर लगे कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उन बांसुरी की आवाज़ सुनकर वो गाय वापस इसी वन में चली आती थी। और इस जगह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार राधा रानी एक संत के लिए खीर बनाकर यहाँ पर लाई थी। ये धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है और दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद शाम को 4 बजे खुलता है और रात्रि में 8 बजे बंद हो जाता है। नंदगांव का चौथा प्रसिद्ध स्थान है पावन सरोवर। पावन सरोवर श्री नंद बाबा मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक पवित्र सरोवर है। कहा जाता है कि इस पानी में पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति का शरीर, मन, आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यह स्थान अपने दिव्य वातावरण और शांति के लिए प्रसिद्ध है और नंदगांव के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। इस पवित्र सरोवर का निर्माण राधा रानी की सहेली विशाखा के पिता पवन गोप ने करवाया था। ये जगह फ़ोटो क्लिक, फ़ोटो शूट करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इस सरोवर के किनारे पावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है, जैसा कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है और दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में ये मंदिर बंद रहता है। यहाँ पर स्नान करने के लिए, घूमने के लिए आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। ये सरोवर 24 घंटे खुला रहता है।
यह सरोवर दोस्तों बहुत गहरा है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से स्नान कीजिएगा। नंदगांव का पांचवा प्रसिद्ध स्थान है वृंदा कुंड, वृंदा देवी मंदिर। वृंदा देवी कोई और नहीं दोस्तों, माँ तुलसी महारानी हैं। तुलसी महारानी का ही रूप हैं वृंदा देवी। आप सामने दर्शन कर सकते हो वृंदा देवी जी के। द्वापर युग में वृंदा देवी राधा रानी की सखी थी। इस मंदिर परिसर में दो कुंड हैं, वृंदा कुंड जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ठीक मंदिर के पीछे एक और कुंड है दोस्तों, उसका नाम है गुप्त कुंड, जहां पर हर सुबह राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से गुप्त रूप से मिला करती थी। यह मंदिर श्री नंद बाबा मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और पावन सरोवर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय की बात करें तो ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक खुला रहता है। नंदगांव का छठवां प्रसिद्ध स्थान है चरण पहाड़ी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये चरण पहाड़ी मंदिर वृंदा देवी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, शायद उससे भी कम, और नंदगांव के प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों दर्शन कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हो। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कभी भी आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूँगा। आपको मैंने नंदगांव के 6 प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बता दिया है। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंदगांव के इन सभी मंदिरों को पैदल कैसे घूमें, इस पर भी मैंने दोस्तों वीडियो अलग से बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दिल्ली से नंदगांव बरसाना के सभी मंदिर घूमकर एक दिन में वापस दिल्ली कैसे जाएं, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।